नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल के चेयरमैन हैं ब्रजेश पटेल। आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है कि कब और कहां आईपीएल के आयोजन होने की अब संभावना है। पहले ब्रजेश पटेल का बयान आपको सुनाते हैं और फिर आगे की खबर हम आपको बताते हैं। ब्रजेश पटेल ने बताया कि जब भी सीजन को दोबारा आयोजित किया जाएगा ये वहीं से शुरू होगा जहाँ अभी ख़त्म हुआ है। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, आईपीएल जैसी बड़ी लीग को स्थगित करने का फैसला आसान नहीं होता है। हालांकि इस बार 4 टीमें इसमें आ चुकी थी और कुछ खिलाड़ी भी शामिल हो गए थे। एक खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी, सनराइजर्स हैदराबाद के 1 खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 4 टीमों के साथ टूर्नामेंट के शेड्यूल को दोबारा से बनाना मुश्किल था। इसके साथ ही भारत में चल रही पूरी स्थिति को देखने के बाद हम सभी ने इस बात को सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसे फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, बाद में बाकी बचे हुए मैचों का आयोजन होगा। आपको बता दें, आईपीएल पर ब्रेक लग चुका है। कई खिलाड़ी घर पहुंच चुके हैं जबकि कुछ विदेशी खिलाड़ी भी घर को निकल चुके हैं। बीसीसीआई व्यवस्था करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। बाकी बात रही आईपीएल के फिर से आयोजन करवाने को लेकर, तो अभी से ही अंदेशा जताया जा रहा है कि यूएई में T20 विश्व कप का आयोजन हो सकता है। सितंबर के महीने को लेकर बातें हो रही है कि बीसीसीआई के पास यही एक विंडो बचा हुआ है। इन संभावनाओं पर ब्रजेश पटेल ने कहा, इस सीजन के बाकी बचे हुए 31 मुकाबलों को जब भी हम करा पाएंगे तो मैच वहीं से शुरू किए जाएंगे जहां इसे ख़त्म हुआ है। हमें समय की उपलब्धता देखनी होगी, या तो आईसीसी T20 विश्व कप से पहले या फिर विश्व कप के बाद इस आईपीएल का आयोजन किया जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।